को कि आपकी देवरानी नहीं दिखाई दे रही, तो देवरानी गई थी आज तक। तो दोस्तों अभी ना हम लोगों ने घास काट दिया है, तो यहाँ पे देखो अभी बन रही है सासू जी की थ्रेडिंग, बट रहे हैं राशन, तो मैं अभी ना राशन लेने जा रही हूँ मैं। और बाकी अभी ना बारिश भी लगातार लगी हुई है यहाँ पे। हमारे सभी कुल देवी देवताओं का थान बोला जाता है। हमारे पन्ने ना काफ़ी गीली हो गए हैं, तो हम ना इसको कम कम ही ले जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और अभी देखिए मौसम खुल चुका है। सुबह से आ रही थी आज भी बारिश, तो अभी मौसम ना थोड़ा ठीक ठाक हो गया है। बाकी मेरे पीछे देख सकते हो आप लोग, अभी भी ना नीचे की साइड को पूरा कोहरा लगा हुआ है, तो मैंने सोचा मौसम भी खुल गया है तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत भी करें। देखो नीचे की साइड को ना पूरा कोहरा लगा हुआ है और मौसम ना अभी काफ़ी मस्त हो गया है काम करने लायक। तो अभी हम लोग जाएंगे घास काटने के लिए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब भी आ जाए, क्योंकि शाम को भी अगर बारिश आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी चले जाते हैं घास काटने के लिए। तो दोस्तों अभी हम दोनों जा रहे हैं घास के लिए। तो कल आप लोगों का एक कमेंट आया था मेरे को कि आपकी देवरानी नहीं दिखाई दे रही, तो देवरानी गई थी आज तक मायके गई हुई थी, तो कल आ चुकी है, तो आप कंटिन्यू दिखेगी आपको ब्लॉग में। कल ही मेरे को कमेंट आया था और कल ही ये यहाँ भी आ गई है। तो चलिए अभी हम दोनों जा रहे हैं घास के लिए, तो एक बारी हम लोग ना घास ले आते हैं, क्योंकि मौसम देखो बिल्कुल ख़राब सा होने लग गया है फिर से। तो दोस्तों अभी ना हम दोनों पहुंच चुके हैं खेतों में, और हमें ना आज जो ये झंगोरा होता है ना इसके बीच का घास निकालना है, क्योंकि जो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा घास हुआ रहता है ना उसको काटना पड़ता है, वरना चूहे पूरे झंगोरे को काट देंगे। तो देखो हम ना इस वाले खेत से काटेंगे आज घास, पूरा हरा भरा खेत दिख रहा है, तो उधर तक बहुत लंबा खेत है, तो इसके बीच से निकालते हैं हम लोग घास। तो अब हम सीधे मिलेंगे आपको घास काट के। तो दोस्तों अभी ना हम लोगों ने घास काट दिया है, तो यहाँ पे ना अभी हमने 2 भारी घास काट दी है, तो अब चलते हैं घर को। और भारी भी लगा दी है, और अभी ना धूप लग चुकी है, मतलब धूप तो कम ही लगी है बट उमस जैसा हो रहा है इस झंगोरे के अंदर, जो हमने घास काटा ना उसके अंदर एकदम उमस जैसा हो रहा है। तो चलिए जी चलते हैं घर को। और मेरे पीछे देखो ये है रिंगाल, तो कितना मस्त हो रखा है ये, बिल्कुल हरा भरा। तो दोस्तों अभी ना हम लोग सब नहा धो के हो चुके हैं रेडी, तो यहाँ पे देखो अभी बन रही है सासू जी की थ्रेडिंग। ये देखो यहाँ पे थ्रेडिंग बन रही है, और मैं भी बनाऊंगी क्योंकि मेरी थ्रेडिंग भी हो गई है बड़ी बड़ी। और मिताल साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? तो दोस्तों देखो मेरी थ्रेडिंग भी बन चुकी है, तो कैसी बनी है? ठीक ही बनी है, मैं तो बनाती रहती हूँ। अभी दोस्तों दिन के 3 बज रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अभी दुकान की साइड को। तो आज मैं दुकान की साइड को क्यों जा रही हूँ, क्योंकि हमारे गांव में बट रहे हैं राशन, तो मैं बिना राशन लेने जा रही हूँ। तो अभी सब लोग घर पर हैं और बारिश भी लगी हुई है, तो मैंने सोचा मैं राशन ले आती हूँ। हमारे गांव की राशन ना कल बढ़ चुकी है, लेकिन हम कल नहीं गए, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। और अभी देखो बारिश आने लग गई है, और मैं ना चढ़ाई चढ़ रही हूँ तो मेरी ना आवाज़ ही निकल रही है। तो देखो हमारे घर से और पक्की रोड तक कितनी चढ़ाई है ऊपर को, बाकी देखो बारिश आने लग गई है। अभी ना दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर पक्की सड़क में, और बाकी अभी ना बारिश भी लगातार लगी हुई है। तो चलिए जी चलते हैं, बाकी अभी मुझे ना काफ़ी आगे जाना है जहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उससे भी आगे। और मौसम देखो ऐसा हो रखा है उधर की साइड से, बहुत तेज़ बारिश आने लग गई है। चलिए जी चलते हैं।
दोस्तों देखो यहाँ पे मुझे कितनी सारी बकरियाँ मिल गई है। उनर में थोला ओला सब कचुने खुटा तो हट हट हट। अरे मेरे पास कुछ नहीं जो जवा यह चाहती को ले 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 मेरे पास कुछ नहीं रे दिन तुम और मैं पन्नी हन्नी सब गिरे। तो दोस्तों अभी ना हम लोग आ रखे हैं अपने गौशाले के इधर पे गाय भैंसों के ग्वाला, मैं और मितांश और बाकी सब लोग उधर कर रहे हैं काम। तो इधर साइड को चर उधर को चर रहे हैं हमारे भैंस और बाकी इधर को चर रहे हैं हमारे बैल। क्या हुआ? ओ बाबा। तो देखो मितांश का ग्वाला आ रखा है, क्या कर रहे हो आप? ये कौन बांदर? इसको तो हमेशा बंदर ही आते हैं। ओहो, तो ये देखो इधर को चर रहे हैं बैल, बाकी भैंस ना उधर साइड को चर रहे हैं, वो लोग ना उधर ही को कुछ काम कर रहे हैं। बंदर? अच्छा ओके। और ये बंदर भगाने पे लगा हुआ है यहाँ पे हमारा मितान। फेंको कौचा? ओहो पेड़ में, चल फेंक दी। ओहो पे पीछे जो ये धार है ना, यहाँ पे हमारे सभी कुल देवी देवताओं का थान बोला जाता है हमारे पहाड़ों में, वो है। और मितांश ना अभी सबको प्रणाम करने जा रहे हैं सभी मंदिरों के आगे पे। तो देखो मितांश अभी सब में प्रणाम करने जाएगा सभी मंदिरों के आगे। हो कर कर। जय भगवान जी। तो दोस्तों अभी ना हम लोग आए हैं हमारे नीचे वाले घर पे, और यहाँ से ना हम लोगों के ले जाना है लकड़ी मुझे और देवरानी को, बाकी सब लोग घर पे हैं। तो हमारे नीचे वाले घर का हाल आजकल देखो कैसा हो रखा है, जब से रास्ता बनाना तब से देखो यहाँ पे कैसा हो रखा है। तो ये देखो सारा सामान यहीं पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी ना हम लोग ढूंढ रहे हैं लकड़ियाँ, और हमें ना लकड़ियाँ ही नहीं मिल रही है क्योंकि इतनी लंबी घास हो रखी है ना कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने लकड़ियाँ रखी थी उस टाइम। ये देखो इतनी बड़ी घास हो रखी है और बहुत ज़्यादा ना गीला भी हो रखा है, तो हम लोग ना पूरे भीग गए हैं। ये देखो बाकी चलते हैं अभी नीचे ढूंढते हैं जहाँ पर हमें दो भारी लकड़ियाँ मिल जाए। तो दोस्तों ये देखो मिल चुकी हैं हमें लकड़ियाँ, और आधा लकड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो चलिए इनकी खोज। तो ये देखो यहाँ नीचे पर एक मुर्गी भी जा रही है, तो एक नहीं यहाँ ना कई मुर्गियाँ होंगी। ये देखो तो उड़ गई है इधर को। तो चलिए जी हम भी लगाते हैं लकड़ियाँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों फाइनली देखिए मैंने ना लकड़ी का भरा लगा दिया है, और ये लकड़ियाँ ना काफ़ी गीली हो गई हैं, तो हम ना इसको कम कम ही ले जा रहे हैं। और देवरानी के लिए आप ढूंढेंगे हम लकड़ियाँ, फिर लगाएंगे और फिर लेके चलेंगे। वाह जस्ट लाइक अ व्यू। तो देखिए आधा लकड़ियाँ ना हमें यहाँ पे मिल गई है, और आधा लकड़ियाँ हमने जमा करके ना दोस्तों उधर रखी हुई थी इस खेत के उधर वाले साइड पर। तो देखिए आजकल ना कितनी ज़्यादा लंबी घास हो रखी है, और चलने में भी ना डर ही लग रहा है। तो ये देखो, और साथ साथ में ना हम पूरा भीग जा रहे हैं यार, मैं तो पूरा भीग। ना हम लोग आ चुके हैं लकड़ी लेके अपने नीचे वाले घर पे, और ये देखो हमारे लकड़ियों के भारे, और मेरी भारी कैसे हो रखी है एक साइड से ऊपर और दूसरे साइड से नीचे, क्योंकि इसके जो ये रस्सी होती ना शायद टाइट और ढीली हो रखी है। तो अभी ना बारिश भी आने लग गई है। तो चलिए जी दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।